जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। क्यों करूँ भाई, जो मैंने बोला ही नहीं और सोचा ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज तो भाई मैंने दोनों लाइन बोल दी है। अभी मैं कपड़े की दुकान पे गया तो भाई काफी लोग कमेंट कर रहे थे, सर आप जो मनी काउंटिंग मशीन लेकर आए थे आप उसका जो मोटर निकला उसे दिखाइए, उसमें जो ट्रांसफॉर्म निकला उसे दिखाइए। भाई वो चालू है नहीं है, चालू कंडीशन में है, लोकल ब्रांड का है। सिंपल जब बात भाई लोकल ब्रांड का तो होगा नहीं, मस्त मोटर है, धासु मोटर है, वो बात अलग है भाई, वो चले ना, ठीक है। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट कर बताइए उस मोटर का वेट कितना है। भाई साहब देखे तो भाई कौन कौन भैया व्लॉग देख रहा है या हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं, भाई से ऐसी मेहनत करवा रहे हो, अरे देखो जाके यार, नहीं देखा तो भाई जाके देखो कितना उसका वेट है, मैंने बताया है जाके देख सकते हो। तो भैया फटाफट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस ऑलरेडी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। भैया देखिए दो भाई, ये पड़ा सारा का सारा जितना टूटा फूटा है मशीन का पार्ट। वैसे गाइस मैं सोच रहा था भाई अब तो भाई हमारे किस काम का, भाई मैंने बैग में इसलिए रख दिया जिस तरह इसका पार्ट इधर उधर ना हो। तो भाई फटाफट इसके पार्ट निकालते हैं या पूरा बैग ही निकालते हैं। अरे भैया देखिए, हो 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 हो, एक बार और सुन, ही हो 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 हो। तो ये काफी सारा इसमें सामान है, तोड़िया, ये इसके कवच, रक्षा कवच, शोल्डर, ठीक है। ये रे भाई साहब मोटर, ठीक है, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, आपने मशवरा किया होगा अपने फ्रेंड के साथ कि हाँ भैया कमेंट करो और पूछे समर से भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसकी आप थोड़ी सी जानकारी देख लो। 220 वोल्ट 30 वाट का है, 58 पर सिंपल बात है, इंडिया में तो 58 चलता है, और भाई 0.4 एम्पियर, यानी गाइस ये भाई करंट भी ज्यादा नहीं लेता है, अप्रोक्स हाफ एम्पियर, क्लास ई में है, 1400 RPM पर मिनट है। और गाइस बाकी आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन वीडियो को पॉज करके। और गाइस हाँ हमारे पड़ोसी भी आन मरे हैं। अरे ओ भाई ये क्या है, जिंदा हो तुम? अरे भाई साहब ये सारे लोग देखते हैं, इनके मन में भी कुछ कीड़ा उठता है। अब गाइस मुझे शौक हो रहा है मोटर वाले टास्क वाले कमेंट इन्होंने तो नहीं किया। हाँ भाई क्या कमेंट करी तुमने? भाई मैं कमेंट ही नहीं करता, कूटूंगा तो पकड़ कर। बाद में कूटूंगा ऐसे लोगों से, मुझे सख्त नफरत है। वीडियो लाइक तो कर दो, यहाँ तुम बच गए, यहाँ बच गए भाई, देखो वीडियो लाइक कर दो। देखो भाई ये भैया सारे लोग देखते हैं, इन्हें कुछ भी कीड़ा कुछ भी खुजलती है ना, एक छलांग मारी बस। अरे भाई घर में चलो आ जाओ भाई, जब तुम आए हो पकड़ में निकाल लो सामान क्या क्या। चलो हाँ आराम से निकालो। हाँ ये हार्ड डिस्क भाई हम लाए थे, गाइस कमेंट कर बताओ यार इस हार्ड डिस्क का हम क्या बना सकते हैं, है ना। वैसे गाइस बहुत कुछ बना सकते हैं। फिर गाइस आपको काफी सलाह मशवरा होता है, तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यार इन द वर्ल्ड फॉर मी इंग्लिश, ठीक है। साइड रखते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। देखना भाई इसमें ट्रांसफॉर्म रखा होगा, छोटा वाला जो ट्रांसफॉर्म है। हाँ देखो भाई जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है, जो कि इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं मिला मुझे लगता है, हमारे प्रिय फौजी भाई ने उसे कहीं और छुपा कर रख दिया है। मुझे लगता है वो अंदर रख दिया है, अंदर जाकर पता लगेगी भाई वो है ना है। ओ माय गॉड पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च। अब यहाँ पे सी लेवल की जांच होगी। अरे भाई साहब चलो ढूंढते हैं भाई पहले। तो गाइस फाइनली हमने कांटेक्ट कर लिया है फौजू भाई से, जो कि अमेरिका गए हुए हैं अपने लोकल नंबर से, और भाई साहब ट्रांसफॉर्मर ने ये रखा। अब भाई ये नहीं पता कि भाई ये कितने वोल्ट का है, कितना करंट लेता है। तो भाई सारा सेट हमने लगा लिया है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गैस स्विच, और हमारा ये भाई बोर्ड काफी खस्ता हालत में, ये वायर गाइस काफी लोकल है भाई साहब, देख रहा है गाइस कभी ना कभी मुझे करंट देगा, अच्छे से शॉक देगा, मुझे शॉक का बहुत शौक, क्योंकि गाइस शॉक बड़ी चीज है। तो भैया ये रहा देखिए इसमें लाइट भी आ रही है, ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रही मेरी उंगली, अच्छे से चोट लग गई, उधर मान लिया। चलो भाई वो टाइम आ गया है जब इसे हम प्यार देंगे, तो करंट तो इसमें नहीं आ रहा है। गाइस मैं लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा, गाइस आई एम वेरी होशियार, आई एम वेरी चालाक, आई एम वेरी चालाक होशियार टू, मुझे लगता है ये वाला बोर्ड खराब है, ये ससुरा पूरा ही खराब है। लो भाई अब देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो भाई देखते हैं क्या आ रहा है इसमें, कुछ नहीं पता भी तो नहीं है भाई, चल भी रहा है नहीं चल रहा है, अरे चल रहा है, चला रहे ना अभी नहीं चल रहा। तो भाई मुझे लग रहा है कि बाबा इसके तार हिल रहे हैं, गाइस वाला जुगाड़ दो के फेल, मैं भाई डायरेक्ट में मैं लीड लगा दी है, डंग 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 डंग। तो भाई अब तो डायरेक्ट लगा दे भाई, है निकालो इसे, ये लग गया डायरेक्ट, वैसे अब कोई दिक्कत ना करंट करंट की। और भैया कर देते 20 पर सेट। हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे 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 आ रहे, लेकिन भाई उल्टे सीधे आ रहे हैं जैसी, यानी कि ये लगता था कि चालू कंडीशन में है, पर ये नहीं पता गाइस कितने वोल्ट का है, बस भाई उल्टे सीधे वोल्ट आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चालू कंडीशन में है, यूनिट की बिल्कुल खराब है, देखिएगा ओवरलोड दिखा रहा है, जिसके वोल्ट है बार बार चेंज हो रहे हैं कंटिन्यू। तो गाइस हम कह सकते हैं कि भाई ये चालू कंडीशन में है, ठीक है। तो भाई रख दो काम हो गया। तो गाइस जितनी टेस्टिंग करानी थी वो करा दी है, ठीक है। आपने देखा कभी इसमें रिएक्टिफायर कुछ डायोड डाल के देखेंगे कि कैसा काम करता है, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ी, बस बाकी गाइस ये देख रहे हैं भाई चालू है नहीं है, चालू तो है और भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं काम सो पाएगा। खैर चले गए अब चलते हैं फटाफट अपने मोटर पर, सॉरी इस मोटर पर। तो भाई साहब इसे चलाने में तो थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तो गाइस सेफ्टी फर्स्ट, हो सकता है भाई शॉर्ट हो, करंट पास हो रहा है उसमें, और गाइस हमें फेल करते हैं। अरे बस कर रुलाएगा क्या, जो भी है नुकसान तो हमारी होगा। तो भाई ये है ग्लव, इसे कहते हैं दस्ताना, और इस दस्ताने से दोस्ताना करना बनता है भाई, हाथ अब मजदूर का बन चुका है काफी। और अगर इसको आपको वायरिंग दिखाऊं तो भाई रेड और येलो देखिए, यहाँ लिखा 220 वोल्ट, थोड़ा और पास से 220 वोल्ट, आई थिंक चमक गया होगा, मैं उल्टे उल्टे काम कर रहा हूँ, इसे बंद करता हूँ।
अरे चल गया भाई साहब, चल गया, देखिए चल गया। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गाइस ओनली 1400 आरपीएम, सिर्फ 1400 आरपीएम इसके। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि भाई साहब इस 1400 आरपीएम के मोटर को, जो कि नॉन गियर मोटर है, हमें किस यूज में ले सकते हैं। वैसे गाइस एक भाई कमेंट आई थी, इसे आप साइकिल में लगाइए, स्कूटर में लगाइए, तो भाई साहब इतनी पावर तो इसमें लग नहीं रही है। चलिए एक बार इसकी पावर पे टेस्ट कर लेते हैं कि टॉर्क इसमें है या नहीं भी। सेफ्टी के लिए भाई मैंने ग्लव्स पहन ली है, और भाई यहाँ मैंने लगा दिया थोड़ा लंबा वायर, और भाई इसे लगाते हैं डायरेक्ट 220 वोल्ट से बंद कर देते हैं। तो बाबा चल जा। तो भैया आई एम रेडी। इसमें तो भाई बहुत नागवार लग रहा है। अरे रुक जाओ, नहीं देखिए उल्टा भी चल जाता है, सीधा भी चल जाता है। देखिए अब सीधा चल गया, रोका, अब उल्टा चल गया। अरे भाई ये तो अजीब है, देखिए रोक दिया, फ्यूज जाएगा, फूक जाएगा भाई, धुआं निकल जाएगा, धुआं मेरे मुंह से निकलना फिलहाल। देखिए क्या चल रहा है, इधर रोकता हूँ, रुक गया, देखिए इधर चला दिया, रुक गया, अब इधर चला दिया। तो भाई अब आप खुद ही देख सकते हो कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ठीक है। और भाई खोल के देखे, हाँ भाई खोल के देखे, हाँ चलो भाई खोल के भी देखते हैं। नारस का ऑपरेशन करते हैं आज। तो भाई मैं लेकर आऊँ ड्रिल मशीन, और पहले इसे निकालते हैं। अरे वाह, पुली तो नहीं निकल गई, कैसी पुली है तू? अच्छा इसका जो ऊपर का लॉक है ना, वो निकाल दिया है, इसमें ही निकल गई है। ओहो ओहो यार, ये भाई इसमारे मुझे बुरे लगते हैं, ये जो प्लस वाले है ना स्क्रू, भाई मेरे को बड़े बुरे लगते हैं, ये फेल हो जाएंगे भाई। तो मुझे इन पर थोड़ी सी हल्की हल्की चोट मार लेते हैं, ये ना टूट जा भाई, ये कास्ट आयरन का है। तो भाई देखते हैं खुल जाए तो। अरे वाह अरे वाह, अरे भाई साहब एक इसका स्क्रू देखिए कितना लंबा है। आ, मेरी एक उंगली के बराबर का है, बल्कि उंगली से भी लंबा भाई, उंगली से भी लंबा भाई, 3 इंच से भी लंबा। और भैया खुल जा सिम सिम, तो कागज हटाते हैं सीधा, खुल जा भाई, कहते हर चीज बेइज्जती करने पे तार हुए यार। खुल दो भाई, ये जो इसके अंदर बैरिंग है ना, ये गड़बड़ कर रहा है भाई, ऐसे तो ये बाज नहीं आएगा। दे रे खोल दिया, अरे वाह देख क्या मस्त है भाई। तो यही था गाइस इसके अंदर, देख सकते हो मस्त चीज बिल्कुल। तो चलिए भाई इसे वापस ऐसे लगा देते हैं। तो भैया ये लग गया है जैसा लगा हुआ था, ये हो गया ठीक है, इसे वापस चिपका देते हैं। तो गाइस आपने देख लिया कैसे क्या का निकला, और दोनों चीज ठीक थी, ट्रांसफार्मर को बाद में देखना पड़ेगा, कभी टाइम मिला तो देखूंगा। और भाई इतना सारा कबाड़ है, इसका क्या करना है, ठीक है। वैसे गाइस कबाड़ तो नहीं कह सकते, बहुत काम की चीज है। अब बता दो तुम्हें काम की क्या चीज है। देखिए ये जो शाफ्ट है ना भाई, ये बहुत काम की चीज है, एसपीएसटी स्विच है, और बहुत सारी वायरिंग भी है, और यहाँ पर एलईडी है, देखिए इतना स्विच है, ये एलईडी है। तो गाइस आप इस मोटर का क्या सुझाव दोगे, मैं इसका क्या करूं? तो गाइस सारी चीजें बहुत काम की है। तो गाइस आपने देखा, आपकी जो क्वेरी थी वो मैंने सोल्व करी, और कमेंट करके बताइए क्या का देखना। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।